आज डीआरएम ऑफिस का घेराव करेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ से चलने वाली 23 ट्रेनों को कैंसिल किए जाने का विरोध किया जा रहा है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में प्रदर्शन होगा। दोपहर 1 बजे डीआरएम ऑफिस का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। तो बता दें इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है। जिस तरह से 23 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया, उसे लेकर डीआरएम ऑफिस का घेराव कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, जहां छत्तीसगढ़ से चलने वाली 23 ट्रेनों को कैंसिल किए जाने का अब विरोध शुरू हो चुका है। एक घेराव करते हुए नजर आएंगे डीआरएम ऑफिस का। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बड़ा प्रदर्शन आज दोपहर 1 बजे करेंगे। तो कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करेंगे। स्वप्निल गौरखेड़े ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वप्निल, डीआरएम ऑफिस का घेराव करने के लिए कांग्रेस जो है वो शुरुआत करने जा रही है, कितने बजे से? दोपहर 1 बजे का जो समय है वो रखा गया है, कौन कौन पहुंचेगा और किस तरह से यहाँ पर डीआरएम को नोटिस जो है या फिर जसपा क्या कुछ किया जाएगा? जी देखिए, छत्तीसगढ़ में जो ट्रेनें रद्द की गई है उसको लेकर लगातार विरोध जारी है। कांग्रेस इस मामले में लगातार जो है हमलावर है और कांग्रेस का यही कहना है कि जो ट्रेनें रद्द की गई है उससे यात्रियों को खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि इस समय शादियों का सीजन है और लोग जो है कोरोना के 2 साल बाद घूमने जाने का भी जो है प्लान किए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो ट्रेनें रद्द की गई है उससे खासा असर पड़ा है। तो ऐसे में कांग्रेस आज डीआरएम ऑफिस का घेराव करने जा रही है। इसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अन्य पदाधिकारी हैं प्रमुख, वो भी मौजूद रहेंगे और डीआरएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा और जो ट्रेनें रद्द की गई है उसे दोबारा शुरू करने की मांग जो है वो की जाएगी। तो दोपहर 1 बजे डीआरएम कार्यालय में ये प्रदर्शन होगा और ज्ञापन सौंपकर जो ट्रेनें रद्द की गई है उसे दोबारा शुरू करने की मांग जो है वो कांग्रेस द्वारा की जाएगी। तो 1 बजे डीआरएम ऑफिस का घेराव करेंगे और ज्ञापन सौंपा जाएगा। बने रहिए आप हमारे साथ और